दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी स्टॉक आइटम की उसकी जीरो अमाउंट को हम सेल इनवॉइस में किस प्रकार से सेव करते हैं। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब समझना होगा ताकि हम एंट्री करते वक्त उसको आसानी से समझ पाए। तो दोस्तों जैसा कि आप ये एक इनवॉइस देख रहे हो, हमारे पास एक कस्टमर है जिसको हमने एलजी मॉनिटर के दो पीस है जो सेल किए हैं और जिसका पैसा हमने उनसे चार्ज किया हुआ है, और उसके साथ हमने वीजीए केबल 3 मीटर का एक प्रोडक्ट है उसको भी हमने दो क्वांटिटी के साथ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। यानी कि इसका वीजीए केबल का कोई भी पैसा इस इनवॉइस में नहीं लगा हुआ है, केवल पैसा जो लगा हुआ है वो इस एलजी मॉनिटर का, यानी कि हमने एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो इस प्रकार के इनवॉइस की एंट्री को हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से सेव करते हैं और क्या इसका हमारे स्टॉक पे इफेक्ट आएगा, तो दोस्तों आज का ये सारा वीडियो प्रैक्टिकली रहने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, साथ पर ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर की एंट्री करने से पहले हम एक बार हमारे टोटल स्टॉक को चेक कर लेते हैं। तो स्टॉक को चेक करने के लिए हम गेटवे ऑफ टेली पर आते स्टॉक समरी पर आएंगे। तो आप यहां पर देख रहे हो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट है, एलजी मॉनिटर और उसके साथ में वीजी केबल 3 मीटर, और इसकी जो हमारे पास एलजी मॉनिटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो 10 पीस है और जो वीजी केबल है उसके 12 पीस है। हालांकि ये हमने जब परचेज किया था इस प्रोडक्ट को तो हमने इस प्रोडक्ट को पैसे दे के परचेज किया हुआ है, लेकिन हमने हमारी कंपनी की तरफ से ये स्कीम है भी हम एक एलजी मॉनिटर के साथ में एक वीजीए केबल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो अब आपके पास इससे मिलता जुलता कुछ और भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, कुछ और भी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम वापस गेटवे ऑफ टेली पर जाएंगे, वाउचर पर हम जाएंगे, और वाउचर पे जाने के बाद में हम करेंगे सेल वाउचर एफएट सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद में जो हमारा इनवॉइस का नंबर है वो एक नंबर इनवॉइस है और इसकी जो डेट है वो 10 अगस्त 2021 है, और उसके बाद में पार्टी का अकाउंट नेम एबीसी इंटरप्राइजेस, और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम हम एलजी मॉनिटर को सिलेक्ट करेंगे, क्वान्टिटी हम 2 पीस, और इसका जो यहाँ पर टैक्सेबल रेट हम देंगे वो 4,322 रुपये और 3 पैसे, और इसके बाद ये हमारी जीएसटी 18% की सेल है। और उसके बाद में जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट दिया वो वीजीए केबल है, इसकी क्वांटिटी भी 2 पीस है, और इसका पैसा जो अभी हमें इस इनवॉइस पे चार्ज नहीं करना, तो इसकी एंट्री हम वैसे ही सेव करेंगे और इसको हम सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स हम लगा के एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सेल वाउचर की एंट्री कर दी। अब हम एक बार इसको स्टॉक को चेक करते हैं, तो वापस स्टॉक समरी पर आएंगे। तो अभी आप देख रहे हो जो एलजी मॉनिटर है जो हमारे पास अभी क्वांटिटी हमें 10 जो शो हो रहा था वो 8 पीस है, लेकिन वीजीए जो केबल है उसकी क्वांटिटी अभी यहाँ पर कम नहीं हुई है। ये हमें पहले भी 12 पीस शो कर रहा था और अब भी ये 12 पीस ही शो कर रहे हैं। अगर हम इस इनवॉइस पर जाके देखें या इसके ट्रांजेक्शन देखें तो ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हो भी इस एलजी मॉनिटर की 10 पीस की ये सेल है और ये 2 पीस है जो अभी हमने इसको सेल आउट कर दिया है, तो टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 8 पीस का बचना चाहिए। और इस तरीके से जो वीजीए केबल है, तो वीजीए केबल में अभी आप देख रहे हो केवल और केवल आपको यहाँ पर इनवार्ड यानी कि परचेज की वैल्यू ही आपको शो कर रही है 12 पीस की, आउटवार्ड में अभी ये 0 है, जबकि हमने अभी हमारे सेल इनवॉइस के अंदर इसकी 2 पीस की सेल करी थी। हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी लेकिन स्टॉक है जो ये माइनस में होना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में हमें एक सेल वाउचर की इस टाइप की एंट्री के लिए हमें जीरो वैल्यू के ट्रांजैक्शन के ऑप्शन को यस करना पड़ता है। तो इसको यस करने के लिए हम गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे, और गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद हम एल्टर पर आएंगे, एल्टर पर आने के बाद वाउचर टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अब हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सेल वाउचर को, और सेल वाउचर को सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पर ये दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट वैसे नो होता है तो आपको इसको यस करना पड़ेगा। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पर करेंगे यस, और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को कर देंगे एक्सेप्ट। इस उसके बाद हम वाउचर एंट्री पे जाएंगे और वापस जो हमारा एक नंबर इनवॉइस था उसी को हम ओपन कर लेंगे, डे बुक पे जाके भी हम कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पर इस इनवॉइस के अंदर जो हमने
केबल की एंट्री करी थी वीजीओ केबल की, वो यहाँ से अब हट चुकी है, ऑटोमेटिक ही हट जाएगी वो। तो हम वापस इसी इनवॉइस के साथ इसको एक्सेप्ट करवा देंगे वापस। अब वापस हमने वीजीओ केबल क्वांटिटी 2 पीस और इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो रहेगी, 18% सेल, क्योंकि 18% का ये प्रोडक्ट है तो 18% सेल का जो लेज़र हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी इसके कोई CGST या फिर SGST टैक्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू है जो यहाँ पर इंटर नहीं करी है। और इस तरीके से वाउचर को हमने एक्सेप्ट कर दिया। तो अब उसके बाद में हम स्टॉक समरी को देख लेते हैं। तो हम स्टॉक समरी पर जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो स्टॉक समरी है उसकी जो क्वांटिटी है ये अब 10 पीस शो कर रहा है, और जब इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने 12 पीस है जो परचेज़ किए थे और 2 पीस हमने इसको सेल कर दिया। अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि हमने सेल वाउचर में एंट्री करते वक्त इसकी वैल्यू है जो पोस्ट ही नहीं करी थी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हमने स्कीम के तहत उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेल किया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम सेल वाउचर में किसी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को हम सेल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेल कर सकते हैं। अगर ये मान लीजिए हमने कोई वीजीए केबल के साथ 2-3 केबल के साथ हमें एक केबल फ्री ऑफ कॉस्ट देनी हो, तो हमारे पास हम उसको जो हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेली के अंदर सेल वाउचर में F11 हम करेंगे, तो उसके बाद में इस ऑप्शन को हम यस करके भी एंट्री उसकी कर सकते हैं। ये आ जाएगा ऑप्शन यू सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। अगर इस ऑप्शन को हम यस करेंगे, हम इसको ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए करते हैं, तो आपका जो सेल इनवॉइस का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको एक टेम्परेरी एंट्री करके देखते हैं। अब मान लीजिए वीजीए केबल है और वीजीए केबल के साथ 3 केबल के साथ 1 केबल आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे, तो ऐसी स्थिति में आपको जो एक्चुअल है वहाँ पर आपको 4 करना पड़ेगा और जो बिल है उस कंडीशन में इसको 3 करना पड़ेगा। यानी कि आपकी जो गोडाउन्स में से टोटल जो क्वांटिटी है आपकी वो 4 पीस की घटेगी और आपके पास जो पैसा आएगा वो 3 पीस का आएगा। तो इस तरीके से ये तो हो गया अगर हमारा सेम ही प्रोडक्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो अगर हम दूसरे कोई प्रोडक्ट है पैसा किसी अलग प्रोडक्ट का ले रहे हैं और उसके साथ में जो प्रोडक्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट जो अलग कोई प्रोडक्ट है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें वापस जैसा कि हमने ये जो सेल वाउचर की एंट्री करी थी इसी टाइप की एंट्री ट्रांजेक्शन हमें करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये सेम प्रोसीजर हम पर हमारे परचेज के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है हमारे परचेज के साथ भी हमें कुछ प्रोडक्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये LG मॉनिटर के साथ वीजीए केबल अगर हमें फ्री आई होती तो उस कंडीशन में हमें ये परचेज वाउचर में भी जाके इस ऑप्शन को इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए एल्टर पर हम जाएंगे, वाउचर टाइप पर हम जाएंगे और परचेज को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको ये परचेज के अंदर भी सेम ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो इस ऑप्शन को भी अगर हम यस कर लेंगे तो जो हमारी क्वांटिटी है क्वांटिटी की हमने वहाँ पर डाल दी है लेकिन उसका रेट और उसके अमाउंट जीरो है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो स्टॉक है वो हमारे क्वांटिटी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देकर जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।